वैसे तो दोस्तों सावन का महीना लग गया है। दोस्तों सामने मंदिर, तो ये सामने घंटी लगी है बड़ी सी। हाँ, भोले को नहला के आए हैं और भोले बाबा जी ने हमें नहला दिया, ये देखिए। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के लोग दोस्तों मॉर्निंग से स्टार्ट कर लिया और टाइम हो गया है 5:10। तो आज दोस्तों हम जा रहे हैं मंदिर में, पथरी मंदिर है यहाँ पर, तो वहाँ जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि आज सोमवार है। तो पानी चढ़ाने जा रहे हैं भैया, मैं और माता जी, मम्मी। चलिए दोस्तों चलते हैं, तो आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी सुरखी भी जा रही है डोगी, अंधेरा हो रखा है तो इस वजह से थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा, अंधेरा दिखाई दे रहा होगा आपको। और ये मम्मी जा रही है और भैया जा रहे हैं सामने। तो हम जा रहे हैं दोस्तों पैदल पैदल, और हमारे घर से लेके कम से कम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है मंदिर। तो दोस्तों अब आ गए हम पच्चा वाले बैंड पे, यानी पच्चे वाले मोड़ पे, और अभी पैदल पैदल भी चल रहे हैं, क्योंकि कहते हैं कि मंदिर में जब आप भगवान के दर्शन करने जा रहे हो तो पैदल पैदल ही जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे की तरफ, ठीक है? वीडियो बने रहना और वीडियो को दोस्तों बिल्कुल भी स्किप ना करना। जा रहे हैं मॉर्निंग वॉक में, दौड़ लगा रहे हैं। वैसे तो दोस्तों सावन का महीना लग गया है, बट हम जो पहाड़ी लोग हैं तो हमारे लिए सावन का महीना आज से स्टार्ट हो रखा है। तो आज ही हम जा रहे हैं मंदिर में पूजा करने के लिए, भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। और पीछे से आ रहे हैं भैया और मम्मी। तो अभी थोड़ा हल्का हल्का सा अंधेरा है और उजाला नहीं हो रखा है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं आगे की तरफ। तो इस मंदिर की भी मान्यता है, ये मंदिर दोस्तों काली माँ को समर्पित है, और यहाँ पर काली माँ की बहुत बड़ी प्रतिमा लगी हुई है। तो उसके भी, माता जी के भी, आपको काली माँ के भी दर्शन कराएंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि हमसे बहुत पहले ही लोग पहुँचे हुए हैं भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा जी को जल अर्पित करने के लिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फिर। तो दोस्तों हमको पैदल चलते चलते कम से कम 20 से 25 मिनट हो गए हैं, और क्योंकि काफ़ी दूर है हमारे घर से, मतलब मान के चल लीजिए 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। तो पैदल चलना अच्छा है, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक भी जाती है और प्रभु के दर्शन भी हो जाएंगे भोले बाबा जी का। दोस्तों सामने मंदिर आप देख सकते हैं, सामने मंदिर है, और इधर सामने ही दोस्तों इसमें ना कोसी नदी बहती है, जिसका पानी कोसी नदी का पानी आता है इधर से ही सामने से। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कोसी नदी का पानी है, तो ये पानी का भाव आ रहा है कोसी नदी से। और बाकी आप देख सकते हैं भक्त दर्शन करने आ रखे हैं। तो ये मंदिर, ये मेन रोड चल रही है, ये ढक्के वाली रोड बोलते हैं इसको। और बाकी ये सामने आप देख सकते हैं ये मंदिर है। तो आप गाड़ी देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है, हमारे सूर्य को यहाँ बांध दिया है, कितनी भीड़ हो रखी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सामने इसका मेन द्वार है, मेन गेट है मंदिर का। दोस्तों आप बाइक देखिए, कितनी बाइक खड़ी है, गाड़ी खड़ी है लोगों की, और यहाँ पर भीड़ देखिए आप। जो है काली माँ विराजमान है, बाकी बाहर पंडित जी बैठे हुए हैं। तो ये सामने घंटी लगी है बड़ी सी, देखिए दोस्तों भीड़ देखिए आप, बहुत भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। जानते हैं सोमवार का दिन है, तो सोमवार के दिन में लोग आते जाते रहते हैं मंदिर में भोले बाबा जी के दर्शन करने के लिए। पंडित जी पिठाई लगा रहे हैं सबको, ये सामने देखिए आप नंदी जी विराजमान है, और सामने मंदिर है आप देख सकते हैं। दोस्तों आप पूजा हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से बाहर आने का है ये रास्ता,
और एंटर कर, तो एंटर करने का है मंदिर में, ये एंटर करने का गेट है सामने, यहाँ से पूजा करके और दूसरी तरफ से बाहर आते हैं, एग्जिट है। जस्ट सामने ही आप देखेंगे यहाँ पर शेरा वाली माता और हनुमान जी के दर्शन कर सकते हैं आप। दोस्तों बह रही है कोसी नदी का पानी, आप देख सकते हैं ये सामने कोसी नदी का पानी है पूरा, ये कोसी नदी से ही आ रहा है पानी सारा, यहाँ बह जाता है। और मंदिर की जो भी सामग्री होती है वो सारी यहीं बहाई जाती है। सालमन आप देख सकते हैं बारिश आ रही है बहुत खतरनाक, देखिए नीचे आप देख सकते हैं मंदिर। तो मैं आ गए मंदिर से और आप देख रहे हैं मुझे कितना भीगा हुआ हूँ, मम्मी और भैया आ रहे हैं तो मैं बहुत भीग गया हूँ, आज सावन के महीने में गीले हो गए। तो मम्मी और भैया और हमारा डॉगी जो है सुरखी वो आ रहा है सामने। बारिश देखिए आप, इतनी झमाझम बारिश हो रही है। और ये आ गए हैं भैया और मम्मी और सुरखी हमारी। तो मैं तो गीला होते होते और मम्मी भी गीली होते होते भैया भी तो सारे गीले होके आ गए हैं घर पे, और बहुत बारिश हो रही है और भोले बाबा जी ने हमें नहला दिया। हाँ भोले को नहला के आए हैं और भोले बाबा जी ने हमें नहला दिया, ये देखिए। तो पहुंच गए दोस्तों हम घर पे फाइनली। तो सुरखी दोस्त हमारी गीली हो गई है पूरी, और ये देखिए पड़ोस का डॉगी है तो देख रहा है चीकू। ये दोस्तों भैया सफाई कर रहे हैं अब सुरखी को, तौले से साफ कर रहे हैं, हमने अभी कपड़े नहीं उतारे हैं, सुरखी तो पहले साफ हो रहा है भैया, ये देखिए। तो उसे कपड़े तो उसे कपड़े ही नहीं है ना, वो तो नंगा है, नंगा आया तो नंगा नंगा आएगा, नंगा जाएगा। भैया साफ हो गया, और भैया को देख रहा है, भैया उधर खड़े हैं कपड़े बदल रहे हैं, तो भैया को देख रहा है कहीं बाहर तो चले जाए कहीं। और भैया कह रहे हैं दोस्तों 1.5 किलोमीटर आने का, 1.5 किलोमीटर जाने का हो गया है, तो 3 किलोमीटर हमारा आना जाना हो गया, और बारिश में अलग भीग गए। बाहर देखिए आप दोस्तों कितनी बारिश हो रही है झमाझम, बहुत खतरनाक है। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत तेज थी, अब थोड़ी कम हो गई है ना। मेरे दोस्तों कपड़े भी चेंज हो गए हैं और बाल गीले हो गए इस तरह से, तो बढ़िया करके पूजा भी हो गई है, नहा भी लिया बढ़िया दोबारा से, एक बार सुबह नहाया भैया ने, मैंने और मम्मी ने, और एक बार फिर से नहा लिया बारिश के मौसम में बढ़िया, उन बोले की कृपा से, तो उनका आशीर्वाद बरस गया। और इसी के साथ दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों, आपकी कृपा होगी। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत माता।